रहा हूँ जी। और क्या मौज आ रही है, आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है? आज मैं हाँ हम नारा मस्त। अरे हाँ, कल जो वीडियो मेरी अधूरी रह गई थी ना, वो रिसाइकल वाली, आज उसको पूरी करते हैं। जैसे कूड़ा फेंकना होता है या कोई गंदगी फेंकनी होती है, वैसे जैसे सत्यमेव जयते में बताया था हिंदी में, जैसे गीला कूड़ा होता है, सूखा कूड़ा रहता है, गीला कूड़ा जैसे फल फ्रूट सब्जियों के छिलके, टमाटर के छिलके, केले के छिलके, भीगी हुई चाय पत्ती, और जैसे बचा हुआ खाना, जूस फूस, ये सब होता है गीला कूड़ा। और सूखा कूड़ा होता है जैसे पन्नी, डब्बे पब्बे, कार्डबोर्ड वार्डबोर्ड, ये सब, और काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती है, वो होता है सूखा कूड़ा। इसको अलग अलग करके फेंका जाता है, पहली बात तो जापान में पर ये चीज़ पूरी स्ट्रिक्ट तरह से फॉलो की जाती है। और हमेशा जब घर शिफ्ट करते हो या कहीं पे रहने लग जाते हो तो सबसे पहला काम ये होता है, आपको पर्चा पकड़ा देते हैं कूड़ा ऐसे ऐसे फेंकना है। तो और जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे तुम्हारा फ्रिज ख़राब हो गया तुम्हें फेंकना है, तुम्हारा बेड है पूरा का पूरा, सोफ़ा है वो फेंकना, अब उसको ऐसे थोड़ी फेंक दोगे रोड पे। जैसे इंडिया में वो नहीं होता, OLX पे भेज दो, जिसकी पुरानी चीज़ है वो बेच देता है, जिसकी ज़रूरत है वो खरीद लेता है। तो यहाँ पर भी वैसी वेबसाइट भी चलती है, पर क्या होता है मेन, जैसे नॉर्मल फेंका नहीं जाता ना ऐसा कूड़ा, मेरे घर के बाहर कितनी बार तो पड़ा ही रहता है। और जैसे साइकिल पाइकिल है, पुरानी साइकिल है, जो टूट गई साइकिल है, जो यूज़ नहीं हो रही, वो अलग से ऐसे डिस्पोज करी जाती है, उसको रिसाइकिल किया जाता है। एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम है, जब कोई यूज़ ही नहीं हो सकती उसे खोल खाल के रिसाइकिल हो जाते हैं, पर अगर हल्की सी भी यूज़ करी जा सकती है, थोड़ा ठीक करके यूज़ किया जा सकता है ना, तो उसको इन दुकानों पे बेच दिया जाता है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं कि कौन सी दुकान खरीदेगी, कौन सा लॉट खरीदेगा, ऐसे ही सामान बिकता है। और ऐसे ही जब हम यहाँ पर फेंकते हैं ना कूड़ा जापान में, तो फ्रिज के ऊपर पर्ची लगती है, इसके 300 येन लगेंगे, इसको 500 येन लगेंगे, टीवी बेड, या तो आप अपना सामान जैसे सरकारी तौर पर यहाँ पर फेंको, ऐसे पर्ची लगा लगा के, इनकी पर्ची आती है, पर्ची लगाओ, वो कूड़ा उठाने वाले जब गाड़ी आती है वो इनको उठा के आराम से ले जाती है, जिस पे पर्ची नहीं लगी होती उसको कुछ नहीं, कोई नहीं उठाता। और कभी ऐसे भी लोग होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्हें पता नहीं होती, जो सामान पड़ा हुआ सोचते हैं अरे ये तो वैसे ही पड़ा हुआ किसी काम नहीं यार, हम उठा के अपने घर ले जाते हैं, पर वो अलाउड नहीं है, ऐसे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उसको रिसाइकिल करने के प्रॉपर पैसे दिए गए हैं, जो यहाँ की म्यूनसिपालिटी वाले होते हैं वही लेके जाते हैं। और ऐसे जैसे सेकंड स्ट्रीट, जैसे कई सारे सेकंड हैंड के स्टोर हैं पूरी चेन पूरी जापान में भरे पड़े हैं, तुम अपना सामान वहाँ ले जाके खुद बेच सकते हो, तुमसे सस्ते दाम में खरीद लेंगे और फिर उसको ठीक ठाक करके चमका के ड्राई क्लीन करके नहा धोवा के एकदम बढ़िया फिर उसे दोबारा बेचते हैं, तो इसको कहते हैं रिसाइकिल। अब जैसा कि मुझे बताया गया था कि जो कपड़े वपड़े रहते हैं, जैकेट पैकेट रहती है, टोपी वोपी, ये सारे तो प्रॉपर ड्राई क्लीन होकर यहाँ पर रखे जाते हैं, ताकि किसी ने पहले पहने हैं उसकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई बीमारी बीमारी है तो किसी दूसरे को ना लगे, ऐसे प्रॉपर ड्राई क्लीन होते हैं। तो इस चीज़ की चिंता तो करनी नहीं चाहिए, पर फिर भी जिसके मन में बहम है तो कपड़े मत ले लो, फर्नीचर ले लो, कोई बिल्कुल जिम मॉरिसन बनने की तैयारी में लग रहा हो तो इतना महंगा गिटार ना लेके अपना सस्ते गिटार से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, जैसे कोई वीडियो गेम है शौक पूरा करना थोड़े टाइम के लिए, वो अपना पुरानी खरीद के शौक पूरा करके वापस बेच दो। और ये बड़ी बड़ी लाइन में पूरे रैक में लगे रहते हैं कपड़े, जैकेट वैकेट, सर्दियों में तो बहुत बढ़िया काम आता है, इतनी मोटी मोटी जैकेट रहती है, सस्ती बढ़िया टिकाऊ मिल जाती है, तुम्हारी ठंड बच जाएगी। कैंपिंग का शौक चढ़ गया एकदम से, कैंपिंग का सामान ले लिया, ट्रैकिंग का शौक चढ़ गया तो ट्रैकिंग के जूते ले लिए, फिर उसके बाद घंटा कभी यूज़ नहीं करे, वो घर में पड़े हुए सड़ रहे हैं, तो ऐसे में उसको यहाँ पर ऐसी दुकानों में बेच सकते हैं। ये तो है हार्ड ऑफ, ये सेकंड हैंड स्टोर है, पर वो बाइक वाइक वाली वो सारी नई थी, उनमें सेकंड हैंड भी थी। और एक और यहाँ पर दो और हैं, सेकंड हैंड स्ट्रीट है, एक बड़ा काफ़ी बड़ा स्टोर है यही सेकंड हैंड का नाम से, और एक है बुक ऑफ करके, ये हार्ड ऑफ है, तीन है इस रोड पे बहुत सारे, इनमें सारी चीज़ें मिलती हैं, कपड़े लत्ते बर्तन भांडे, इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव,
बच्चों के खिलौने, एनिमे के फिगर, सब दुनिया भर की चीज़ें, फर्नीचर वर्नीचर सब, पूरा शादी का सामान यहीं से ले लो बेशक से, और सेकेंड हैंड मिलेगा जी, है ना। ये मेरे पीछे ये है सेकेंड स्ट्रीट और आप उत्तरली पार बुक ऑफ, इनमें भी सेम सारा वैसा ही सामान रहता है, देखते हैं अंदर चल के। तो मैं ही ले लूंगा। वो देखा ना, जैसे सारा सामान तो सब में सेम सा ही होता है, ये बुक ऑफ है। इसमें क्या है, इसमें सीडी भी, डीवीडी, हर कोई दुनिया तो पिक्चर डाउनलोड कर लेती है, पर जापान में सीडी डीवीडी अब भी चलती है, खूब दबा के बिकती है, नई भी और पुरानी भी। जब किताब विताब भी मिल जाती है, अगर कोई किताबों का शौकीन हो ना तो यहाँ उसका काम बन जाएगा। Dragon Ball Xenoverse. ये वाला बुक ऑफ था, ये तो सिर्फ किताबों विताबों का ही था। इसमें किताबें थी सारी, 1.5 करोड़ तरह की किताबें, सारी मांगा जैसी पढ़ने लिखने की किताबें सब थी, नई पुरानी हर तरह की, जितने भी शौक हो ना अगर वो जैपनीज में पूरे करने हो तो यहाँ से किताब लो और पढ़े चले जाओ। पर मुझे तो किताबों से नींद आती है बहुत ज़्यादा, मुझे पता है मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी थी। इसकी एक ट्रिक होती है, अगर किसी को पता करती हो ना जिसको नींद आती है किताबें खोल के, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं स्पेशल बताऊँगा फिर तो इसे अगर सेकेंड हैंड खरीद सकते हो चीज़ें तो ले लेनी चाहिए, इससे रिसाइकिल भी हो जाता है, पैसे भी कम लगते हैं यार तुम्हारे। और ये ना बेटा, ये मांगा का और ये एनीमे का भी ना बहुत प्यारा कलेक्ट चलता है यहाँ पर। मेरे कई दोस्त हैं जैपनीज जो मांगा पढ़ते हैं, और कई जिनको एनीमे ज़्यादा पसंद है, तो आपस में हमेशा गुत्ते मरते रहते हैं कि साले मांगा ज़्यादा अच्छा है या फिर एनीमे ज़्यादा अच्छा है। एनी वाले बोलते हैं एनीमे ज़्यादा अच्छा है, मांगा वाले बोलते हैं मांगा ज़्यादा अच्छी है, सारी स्टोरी तो मांगा से चोरी करी तुमने, ऐसे वैसे ये कलेक्ट चलता रहता है बहुत ज़्यादा। समय हो गया घर जाने का, चलो घर। जाऊंगा अरे बैंक आ गया मैं तो, यहाँ तो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, शोर मचा रखा है इसने। आज धूप तो निकल रही है पर हवा चल रही है तो गर्मी लग नहीं रही है। टाइम हो गया घर जाने का। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है यार, उनको सच में बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम तक कर लेना बाद में भैया, कोई आफत ना आ रही। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।